गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। नमस्ते सभी को। आज का मौसम आप देख सकते हैं। तो गाइज, आज मेरा सेब तोड़ान नहीं हो रहा है। आज सभी लेबर वालों का रेस्ट डे है, तो आज मैं आई हूँ चाची के खेत। आप देख सकते हैं इनके खेत में सेब तोड़ान ख़त्म हो चुका है। अब ये घास के सीजन में स्टार्ट हो गया है। ये देखिए गाइज, ये जो घास है ये काट दिया जाता है, फिर इसे सुखाया जाता है और फिर सर्दियों में गाय को खिलाया जाता है। ये देखिए गाइस, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं सेबों के पेड़ों में अब सेब नहीं रहे क्योंकि वो सारे तोड़ दिए हैं। और अब इसके तो गाइस, मैं आई थी चाची के खेत और हमने मिलकर किया लंच। यहाँ पे हम लोग घर से टिफ़िन लेकर आए थे, फिर हमने खाना खाया और फिर हम अभी तो यही हैं। क्या नाम आपका? सुष्मिता सिंह। सुष्मिता सिंह, ये है नेपाल से। कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो? जाजरकोट। ये है जाजरकोट से। अब मैं नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर प्लान करूंगी नेपाल जाने का, तो मैं अपनी फ्रेंड से मिलूंगी जाजरकोट में, है ना सुष्मिता जी? फिर ये मेरे को नेपाल घुमाएंगे, ठीक है? तो गाइज, आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर व्यू आता है गाइज। आज तो मौसम बहुत ख़राब है इसलिए उतना अच्छा नहीं आ रहा होगा। और ये देखिए गाइज, कितनी प्यारी प्यारी घास है, फूलों वाली घास, बहुत अच्छी घास है। और ये जो घास है इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, धूप धूप की तरह खुशबू आती है इस घास की। बहुत ही अच्छा घास है गाइज। तो ये देख सकते हैं घास कैसे सुखाया जा रहा है, पेड़ों पर, ज़मीन पर, हर जगह पर घास ही घास फैला के सुखा देते हैं गाइज। ये जो आप घास देख रहे हैं इसको बोलते हैं, इसको वैसे मकड़ी बोलते हैं। और ये देखिए इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट घासों गाइज। मौसम ख़राब होने की वजह से यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और अभी जो टेम्परेचर हो रहा है वो 13 डिग्री हो रहा है। तो देख सकते हैं आप, बहुत मैंने स्वेटर पहनी है, अब काफ़ी ज़्यादा ठंड है। मैंने आते समय कोट भी पहना था लेकिन अभी मैंने कोट खोल दिया है। देख सकते हैं आप गाइस, पूरा बारिश का मौसम हो रहा है और ऐसा लग रहा है अभी विंटर्स चल रही है लेकिन अभी तो मॉनसून ही ख़त्म हुआ है गाइस। ये जो आप खेत देख रहे हैं ये मेरे चाची का खेत है, देख सकते हैं यहाँ पे घास। हेलो गाइस, तो हमारे घर में बहुत दिनों से पानी नहीं आ रहा था और जो टंकी का पानी था वो भी ख़त्म हो रहा था, तो अभी मैं और चाची जा रहे हैं पानी जोड़ने। तो मैं गाइस दिखाती हूँ, अभी हूँ मैं अपने ऊपर वाले खेत से ऊपर, तो मैं नहीं आती हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, सामने आपको दिख रहा है वो ओल्ड जुब्बल है, जुब्बल बाजार है और जुब्बल के बहुत सारे गांव हैं। और मौसम देख सकते हैं आप कितना अच्छा हो रहा है, बारिश बारिश। हाँ, और वो सामने पार चांशल घाटी है जो दिख नहीं रही है, थोड़ी थोड़ी वहाँ पे बादल है अभी। तो अभी हम जा रहे हैं, ये देखिए पार एक मडोल गाँव है वो भी दिख रहा है। हाँ, ये हमारे गांव के लोगों के बगीचे हैं, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल जंगल के पास में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। हाँ, चाची बता रहे हैं जैसे कि बहुत खूबसूरत नज़ारा है। हम ऊपर जंगल की ओर जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं जंगल की ओर पानी देखने। आपको जंगल का व्यू दिखाते हैं हम। ये देख सकते हैं गाइस आप जंगल का व्यू, हमारे यहाँ बहुत सुंदर देवदार के पेड़ होते हैं, अभी भी है इतने सारे देवदार के पेड़ जो कि यहाँ पे ठंड को बरकरार रखते हैं। और ये देख सकते हैं गाइस सेब के बगीचे, यहाँ पे सेब टूट चुके हैं, एप्पल हार्वेस्टिंग हो चुकी है ख़त्म। ये देख सकते हैं ये सामने जंगल है, किसी का फार्म हाउस है। और ये जंगल की रास्ता हाँ, इनको जुरी, ये जो आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में इनको पहाड़ी भाषा में जुरीवे कहते हैं और इंग्लिश में ये फॉरेस्ट इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं जो हमेशा आवाज़ करते रहते हैं। ये सिर्फ बरसात में ही आवाज़ करते हैं आजकल के मौसम में। अच्छा, खत्म हो जाते हैं सर्दियों में, खत्म हो जाते हैं। सिर्फ बरसात के मौसम से शुरू होते हैं, जब ये आवाज़ करते हैं तो ये मीटिंग के लिए बुलाते हैं अपनी दोस्तों को, फ्रेंड्स को। तो गाइज अभी हमें बहुत ऊपर जाना है ट्रैक, देख सकते हैं आप, इसको बोलते हैं छतरी और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉरेस्ट मशरूम। नेचुरल
बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक। हाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक मशरूम, ये देख सकते हैं इस जंगल में कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर। अभी यह घना जंगल, अभी हमें जाना है बहुत ऊपर, हमें लगेगा अभी एक दो घंटे ट्रैक करके। तो चाची कुछ बता रहे हैं, ये जो पेड़ में पत्ते लगे हैं ना, हाँ जी, इसको हमारी भाषा में मिठार बोलते हैं, और ये पीले के पीलिया जब बच्चे को होता है किसी को होता है जॉन्डिस, हाँ जी, हाँ जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस होता है, फिर उसके यूज किया जाता है मेडिसिन के तौर पे। अच्छा ये देख सकते हैं, देखिए हमारे फॉरेस्ट में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, और अभी हमें इसी रास्ते से जाना होगा, और ये रास्ता बहुत ही झाड़ियों वाला हो चुका है। हमारा जो पानी आता है गाइस है नेचुरल वाटर रिसोर्सेज से। देखिए देखो डिफरेंट वैरायटीज की जंगली मशरूम, हम आपको आगे आके दिखाते हैं कि हमारे जंगलों में क्या क्या होता है। सुनाई दे रहा थोड़ा गाइस, हम काफी ऊपर आ चुके हैं, और ये देख सकते हैं आप सामने का व्यू, घना देवदार का जंगल, और अभी हमें यहाँ से भी ऊपर जाना है। दो ढाई घंटे ट्रैक करने के बाद हम पहुंचेंगे अपने नेचुरल वाटर रिसोर्स पे, फिर हम वहाँ से चेक करेंगे अपनी वाटर सप्लाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको लिए दिखाते रहेंगे हम। तो क्या इस जंगल जाते समय चाची बता रहे थे मुझे जंगल की जड़ी बूटियों के बारे में, और बहुत सारी औषधियों के बारे में उन्होंने मुझे जानकारी दी, और जो कि मेरे काफ़ी काम आएगी इन फ्यूचर। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर जंगल का नज़ारा है। तो मैं और चाची बहुत ज़्यादा थक गए थे चलते हुए, लेकिन अभी हमारी डेस्टिनेशन थोड़ी और ज़्यादा दूर है। देख सकते हैं आप, हम पूरे फॉरेस्ट में पहुंच चुके हैं, एकदम घना जंगल है यहाँ पे। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं जंगल के बीचों बीच, और हमारा वाटर जो रिसोर्स है वो भी पास में ही है, और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी जगह है और कितनी सुंदर जगह ये है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है गाइज, आप देख सकते हैं। गाइज ये हमारा पर्सनल फॉरेस्ट है, पर्सनल जंगल है ये हमारा, देख सकते हैं ये जो लैंड है ये हमारी है, और इसमें हमने देवदार के पेड़ लगाए हैं, देख सकते हैं गाइज आप। हाँ हम कुछ समय के बाद यहाँ पे अपना टूरिज्म का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे छोटे छोटे हट्स बनाएंगे, और छोटे छोटे हट्स बनाने के बाद हम यहाँ पे टूरिज्म के लिए एक नए रास्ते खोल देंगे, जिससे कि बाहर के लोग आ सके और हमारे फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर सके और जान सके यहाँ के बारे में। देख सकते गाइस ये भी नेचुरल रिसोर्स से वाटर आ रहा है, देख सकते हैं कभी भी यहाँ से इसको चम्मच से क्रॉस करना है, यहाँ से चेक करना पड़ेगा, यहाँ भी कोई गाइस यहाँ का पानी चेक करना है, यहाँ पाइप देख सकते हैं चाची, यहाँ दिख रहे हैं कुछ ज्वाइन खोलो पीछे से, ये है पानी की सप्लाई, अब जाली लगानी पड़ती है, सही बात है, देखो हम कितना नेचुरल पानी पीते हैं, ये देख सकते हैं गाइस ये जंगल से आ रहा है, ग्लेशियरों से पिघल के ये पानी आ रहे हैं, ये देख सकते गाइस ये सारा हमारा पर्सनल जंगल है, ये सारा हमारी सारी पर्सनल जंगल है, और इसे कहते हैं हम छोटी पोखर,
जगह का नाम है छोटी पोखरी। पानी जोड़ने के बाद हम आ गए हैं वापस, अब जा रहे हैं हम वापस घर की ओर। हमारा पानी जो हाँ, तो जो हमारे घर पानी आता है वो हमारी पर्सनल पर्सनल लैंड और पर्सनल नेचुरल रिसोर्सेज से आता है। देख सकते हैं आप कितने लकी हैं हम लोग, जो हमें सब फ्रेश फ्रेश मिलता है, हर चीज़ नेचुरल और हर चीज़ फ्रेश। तो गाइस देख सकते हैं हमने वाटर सप्लाई बिल्कुल ठीक कर दी है और पाइप में पानी आने लग गया है, एकदम ठंडा ठंडा फ्रेश वाटर। देख सकते हैं ये है हमारा खेत और ये है गोल्डन सेब जो कि अभी तोड़ने बाकी बच रहे हैं, वो देख सकते हैं यहाँ पर वहाँ पे भी है और इसको हम तोड़ेंगे 2-4 दिन के बाद। तो अभी चलते हैं घर की ओर। बस गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने चाचू के बगीचे में क्योंकि यहाँ से भी सप्लाई जाती है। मैं भी चेक करूँगी कि यहाँ पे कोई सप्लाई में पाइप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो गाइस ये देखिए मैंने पानी चेक करी थी तो यहाँ पे पानी की सप्लाई में पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से पानी चेक हो चुका है, अब घर जाके चेक करना होगा कि घर तक पानी पहुँच गया या नहीं। तो आगे चलते हैं घर की ओर। गाइस ये देख सकते हैं आप, हाँ जी, तो गाइस ये देख सकते हैं मेरे पीछे है काली माता का मंदिर, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। और ये है बहुत सुंदर जगह, आपको मैं दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं गाइस यहाँ से व्यू, यहाँ से पूरा हमारा खेत नज़र आ रहा है। गाइस ये जो जगह है बहुत ज़्यादा हाइट पे है, देख सकते हैं आप यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप खेतों में बंदर और जंगली जानवरों को भगाने के लिए पुतले बनाए गए हैं। आज पूरा दिन पानी की सप्लाई ठीक की और फाइनली पानी घर पे आ चुका है। और गाइस इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ और आपको अगर ये मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी व्लॉग में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।